घुसपैठ कर सकते हैं। आतंकी खतरे के मद्देनजर कच्छ इलाके सहित राज्य के सभी तटीय शहरों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय कोस्ट गार्ड और नेवी को खुफिया एजेंसियों ने बताया है कि ये आतंकी कच्छ के रास्ते घुसने की कोशिश कर सकते हैं ताकि राज्य में आतंकी हमले किए जा सकें और सांप्रदायिक तनाव फैलाया जा सके। सीमा सुरक्षा बल, नेवी और भारतीय कोस्ट गार्ड सहित राज्य पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है, तो कांडला, द्वारका और पोरबंदर जैसी जगहों पर सुरक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। आतंकी सूचना के मद्देनजर समुद्र में गश्त बढ़ा दी गई है, तो कोस्टल पुलिस और मरीन कमांडो को भी सतर्क कर दिया गया है। कांडला, मुंद्रा पोर्ट पर सीआईएसएफ सहित अन्य एजेंसियों को भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। स्थानीय नाविकों और मछुआरों को भी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने के लिए कहा गया है। हमारी सारी सुरक्षा एजेंसियों के साथ संकलन की कार्रवाई चालू है। काफ़ी सारे मछुआरों को भी हमने सेंसिटाइज किया हुआ है कि अगर कुछ भी आपको संदिग्ध लगता है तो हमें जानकारी दीजिए और वो हम शेयर करेंगे सुरक्षा एजेंसियों के साथ और एक्शन में आएंगे। जो एक मैसेज चल रहा है कि भाई कच्छ सर्क्रिक से या हरामी नाला से आतंकवादियों की घुसपैठ हुई है, उस बात में कोई वजूद नहीं है। घुसने की आशंका है, मगर BSF, सारी सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस, मरीन पुलिस, मरीन कमांडोज सारे अलर्ट है, तो ये हाई अलर्ट चालू है और हमारी सुरक्षा काफी मजबूत है। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने एक दिवसीय गुजरात दौरे में देश के पहले स्वचालित बैटरी चार्जिंग स्टेशन का अहमदाबाद में किया उद्घाटन। अमित शाह ने अनुच्छेद